Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप आप सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं दो अपनी डी चीजें यूज करूंगी लाइक ये होगा मेरा फेस पाउडर फेस वॉश पाउडर इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है नहीं देखी अभी तक जाओ जाके देख लो मैंने लिंक डाल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर कर लेना एंड क्योंकि फर्क लगेगा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई नो लोग जाके देख लेना ये है मेरा फेशियल ऑयल रियली सॉरी मुझे एक ऑयल की डब्बी में वैसे तो इसको डालना चाहिए था बट मैंने इसको इसी में रखा हुआ ये फेशियल ऑयल है एंड इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आज की वीडियो में इसको यूज करने वाली हूँ ठीक है डियर तो ये रही आज की ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में एंड अगर आपको ये मेरा सिंपल सा इजी पीजी सा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो उसकी भी जो भी मैंने यूज किए हैं प्रोडक्ट्स लाइक like अपने नेल्स के ऊपर हो गया या फिर अपने लिप्स पे आईज पे यार वॉट ओ जो फेस बेस मेकअप है सबके मैं परचेज लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपको ये मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो बहुत जल्दी क्लोदिंग हॉल आने वाला है विंटर वाला तो आप वो भी देख लेना अब आप बोलोगे कि वीडियो कोई और होती है इतना लंबा चौड़ा इंट्रो क्यों बोल देती है क्या होता है ना डियर कई बार मैं बिजी होती हूँ आप सबके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो अपने वीडियो में ही आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ समझा करो बस यही बात होती है और कुछ नहीं है ठीक है ये सारी चीजें होगी एंड बाय द वे मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप लोग जाके जरूर देख लेना एंड यार नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन तो यार आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी होप आप लोगों को ये भी पसंद आए तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बहुत यार सिंपल इजी सी है इतना कुछ है नहीं वैसे तो तो चलो यार लेट्स गेट स्टार्टेड अब आप देख सकते हो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे फेस के ऊपर क्या लगा होता है मेरी आप लोगों ने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन देखी होगी उसके बाद आ, सारी करने के बाद रात को सोने से पहले मैं अपने फेस के ऊपर कॉफी सीरम को मसाज कर लेती हूँ और एक पतली सी लेयर थिन लेयर बना के छोड़ देती हूँ अपने फेस के ऊपर ऐसे ही वो अपने आप ड्राई हो जाता है ये मैंने खुद घर पे बनाया है दाग धब्बे के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है पिगमेंटेशन के ऊपर इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लेना अब इस फेस के ऊपर जो मेरा कॉफी सीरम ड्राई हो चुका है उसको उतारने के लिए मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स के क्लेंजिंग मिल्क नया प्रोडक्ट है कुछ दिन से यूज कर रही हूँ मुझे पर, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगी तो आप लोग देख लेना अभी मैं बेला के कॉटन पैड्स लूंगी बस एक पैड के ऊपर ना थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम वाला जो गुड वाइब्स का क्लेंजिंग मिल्क है उसको मैं दो बार बस पंप से निकालूंगी सिर्फ दो बार ही निकालूंगी बहुत है एंड बस अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर लूंगी ताकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट uh, हो जाए जो भी कॉफी सीरम है एंड ये बिल्कुल ड्राई नहीं करता ये मैं सोचना कॉफी सीरम ड्राई करता है क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल ग्लिसरीन वाइटमिन बहुत कुछ डाला हो तो इस वजह से बिल्कुल मॉइस्चराइज uh, रखता है आपकी स्किन को अब चलो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है उसके बाद मैं करूंगी ऑयल पुलिंग ऑयल पुलिंग कर लिए मैं यूज करूंगी मेरी टवीसी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल और मेरी ऑयल पुलिंग वाली वीडियो यार वायरल हो चुकी है और मुझे इतने सारे कमेंट्स आते कोई कहता है हम वो वाले तेल से कर ले वो वाले तेल से कर ले इस तेल से कर ले मैं किसी तेल से नहीं मैंने किया तो मैं किसी को आपको नहीं रिकमेंड कर सकती सीरियसली मुझे सिर्फ कोकोनट ऑयल से पता है तो मैंने आज तक सिर्फ कोकोनट ऑयल से किया है सेवन टू एट मंथ्स हो गए यार मे बी उससे ज्यादा ही हो गए होंगे मैं तब से ये ऑयल पुलिंग कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है मेरे टीथ से मेरे टीथ थोड़े से शाइनी रहते हैं क्लीन रहते हैं ओके okay, अब इसको निकालते कैसे यार विंटर्स में ये भी एक क्वेश्चन था तो सीरियसली मैं भी थोड़ी सी यू you नो know, स्ट्रगल करती हूँ इसको निकालने के लिए आप देख सकते हो नाइफ के साथ निकाल रही हूँ और तो और कोई चक्कर नहीं है गर्म पानी में नहीं डाल सकती ना बोतल क्योंकि बोतल प्लास्टिक है वो नीचे से ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो अब देखो अब इसका यही तरीका है आई नो आप वियर्ड लगेगा <laughs> मैंने अब अपने इसको अपने मुँह के अंदर डाल लिया थोड़ा सा इसको अपनी टीथ के अंदर च्यू करूंगी अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया हुआ ठीक है आपने बिल्कुल ब्रश नहीं करना है एंड बस आपने पानी के साथ एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेना अपने माउथ को उसके बाद मैं ऑयल डालूंगी अपने मुंह के अंदर अच्छी तरह से आप मैं इसको ना हिलाती रहूंगी आई होप यू कैन सी हिल रहा है मेरा फेस उतनी देर आपको ना बैठने की जरूरत नहीं है फोन पे लग जाओ यार कुछ भी अपना मैं काम करने लग जाती हूँ फोन के ऊपर या फिर मैसेजेस का रिप्लाई हो गया कुछ नया अपनी वीडियो का देख लिया कोई एडिटिंग करने बैठ गई या फिर कई बार यार घर का कोई काम करने लग जाती हूँ लाइक कुछ भी इधर उधर का बीस मिनट के लिए मैं करती हूँ फिफ्टीन टू ट्वेंटी स्टार्टिंग तो डियर मैंने दो या चार मिनट से की थी धीरे धीरे टाइम आप अपना इंक्रीज कर लो पानी के साथ मैंने अपने माउथ को वॉश कर लिया अब मैं करूंगी ब्रश तो हिप एप्सडेंट का पेस्ट था ब्रश करने के बाद आप देख सकते हो मेरे टीथ बिल्कुल क्लीन हो गए बैड ब्रीथ की अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि आपके मुंह से बदबू आती है जरूर आप इसको ट्राई करो जरूर ट्राई करो इसके और भी बेनिफिट्स हैं वीडियो आप डाल दूंगी तो आप लोग देख लेना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अब मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी अभी तक मैंने अपने फेस को क्लीन नहीं किया था सिर्फ क्लैंजिंग मिल्क के साथ वो कॉफी सीरम उतारा था तो मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज कर रही हूँ खुद का घर का बनाया हुआ फेस वॉश पाउडर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोगों को बहुत पसंद आई है बट फिर भी अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी देख लेना तो एक चम्मच लूंगी सिर्फ सुबह सुबह यार मैं फेस वॉश नहीं यूज करती क्योंकि रात को तो इतनी अच्छी तरह से स्किन केयर रूटीन करके सोते हैं सुबह सुबह एकदम मुंह थोड़ा ना गंदा हो जाता है हाँ लेकिन इसके साथ जरूर मैं करती हूँ इसके साथ आप देखना बिल्कुल फेस क्लीन हो जाएगा अंदाजे से यार पानी डाल रही हूँ एंड फिलहाल मैंने अपनी फेस के ऊपर जो स्प्रे किया था ना वो सिर्फ पानी ही था ताकि फेस थोड़ा सा मेरा गीला हो जाए ना पेस्ट की फॉर्म में ले आना है आपने बाकी आपकी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है लिंक डाल दूंगी मैं आपने अच्छी तरह से इसके साथ ना थर्टी सेकेंड या थर्टी सेकेंड या फोर्टी फाइव सेकंड, सेकंड बस ज्यादा नहीं आपने क्योंकि रोज करना है ना इसके साथ तो आपने रोज इतना ज्यादा क्यों अपने फेस को रगड़ना थर्टी सेकेंड एंड फोर्टी फाइव सेकंड बस काफी अच्छी तरह से अपने फेस को कर लो हाथों को भी कर लो मैं तो हैंड्स को भी कर लेती हूँ टैनिंग भी हटाएगा पिंपल्स भी खत्म करेगा पिगमेंटेशन हटाएगा इसमें बहुत तरह के पाउडर्स डाले हैं डेफिनेटली आप लोगों को फर्क लगेगा अच्छी तरह से सब जगह मसाज कर लूंगे आप देख लेना मेरा फेस इसी के साथ क्लीन हो जाएगा आईज के लिए क्या है एक बार जस्ट आपने एक या दो बार आईज के ऊपर करना है इसको ज्यादा नहीं करना आइस के ऊपर आईज एरिया के पास अब देख लो मैंने पानी के साथ वॉश कर लिया ना आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने फेस वॉश नहीं यूज किया ये इक्वली यू नो बेस्ट है फेस वॉश से जब मैं दोबारा नहाऊंगी अपना मतलब जब मैं नहाऊंगी अभी तक मैं नहाई नहीं हूं ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तो उस समय मैं अपना फेस वॉश यूज कर लूंगी फिलहाल मैं सुबह सुबह नहीं यूज करती यार फेस वॉश ओके अब ये डियर एक ऑप्शनल स्टेप है अगर टाइम होता है टेंशन मतलब खाने नहीं वाली मैं <laughs> अगर टाइम होता है आप लोगों के पास भी मेरे पास भी यार रोज नहीं करती ठीक है ना रोज नहीं करती रोज नहीं टाइम मिलता बट अगर टाइम होता तो डेफिनेटली आप इसको करो बेशक इसको आप थोड़ा सा लगा के ना छोड़ दो अपना घर का काम कर लो कई बार तो यार मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि आप देख सकते हो मेरे ना सारा फेस तो चलो क्लीन है ये जो चिन एरिया न, है ना मेरा पिगमेंटेड है थोड़े से दाग धब्बे हैं बट मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे वो सबसे गंदा वही लगता है कि फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं मेरे भी चिन के पास तो आप देख सकते हो मैं अपने चिन एरिया पे थोड़ा ज्यादा रगड़ रही हूँ सिर्फ एलोवेरा का लेना है मेरे पास तो प्लांट लगा हुआ है एलोवेरा का डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर रगड़ लेते हो एक और चीज है सूट करता है ना तो ही आप एलोवेरा लगाना एंड थोड़ा सा ये सेंसिटिव स्किन वालों को शायद नहीं सूट करेगा एलोवेरा एंड थोड़ा सा आपको ठंडक ठंडक सी भी लगेगी सब कुछ है डिपेंड करता है आपको सूट करता है आपके पास टाइम है तो ही आप लगाना ठीक है रोज लगा सकते हो आप एलोवेरा रोज मतलब रोज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी मैं डेफिनेटली ट्राई कर रही हूं इसको करने का तभी आप लोगों के साथ शेयर किया एंड कोशिश भी करती हूँ कि टाइम निकाल लू ये सब करने का कई बार टाइम नहीं होता ना तो सिर्फ फेस के ऊपर लगा के ना छोड़ के ना अपना घर का काम करने लग जाती हूँ हैंड्स के ऊपर भी लगा लेती हूँ क्योंकि एलोवेरा आपकी टैनिंग भी हटाता है तो मुझे होता है कि मेरे हैंड्स के ऊपर भी अगर कुछ भी ब्लैकनेस है या फेस के ऊपर है तो वो सब निकल जाए तो आप इसको जरूर रेगुलर बेसिस पे करो अगर शादी वगैरह होने वाली है फिर तो यार कर ही लो देख लो आपने मैंने इसको पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दिया था तो ये मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है ड्राई हो गया है तो अब मैं अपने फेस को पानी के साथ वॉश कर लूंगी वॉश करने के बाद डेफिनेटली आप देखोगे स्किन थोड़ी सी ग्लो होने लगी है जितनी भी आपको पिगमेंटेशन धीरे धीरे मैं वर्क कर रही हूं यार लाइट हो जाए मेरी पिगमेंटेशन फेस के पास है चिन एरिया के पास है तो बस आ, फेस मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब मैं अप्लाई करूंगी टोनर ये मेरे पास गुड वाइब्स के टोनर है मलबरी टोनर है एंड कुकुम्बर टोनर है तो आज मैं कुकुम्बर टोनर यूज करूंगी टोनर लगाना बहुत जरूरी होता है यार आपके ओपन पोर्स की जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगी रोज लगाया करो दोनों तीनों टाइम जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो आपको लगाना बहुत जरूरी है ओके एक ट्रिक है कोरियंस ये चीज को फॉलो करते हैं मेरे पास टाइम होता है तो ही मैं करती हूँ वो टोनर लगाते हैं एक दो स्प्रे करते फिर डैप 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 डैब करते मैंने अपनी नाइट टाइम स्किन के रूटीन में भी ये बात बताई थी फिर से उसको स्प्रे करते हैं थोड़ा सा ड्राई होने देते कंप्लीटली नहीं ड्राई होने देते इतना टाइम तो देखो किसी के पास नहीं होता उसको थोड़ा सा पैट करते रहते हैं ताकि वो स्किन के अंदर चला जाए और आपकी एंड में आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड हो जाती है ना प्लंप प्लंप लगती है ये तो मैंने यहाँ फील किया है थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हो तो आपको डेफिनेटली चेंज लगेगा आपकी स्किन पे अब मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का रोज ए फेस सीरम मैंने मेरे पास और भी सीरम्स है एगटे का सैन बटेनिका का बायोटिक का सीरम है तो सबको मैं काफी यूज कर चुकी हूँ आधे से भी ज्यादा कंप्लीट कर चुकी हूँ उनको अब ये नया आया तो मेरा मन करा है। मैं इसको ट्राई करूँ क्योंकि इसकी एक तो मुझे कंसिस्टेंसी भी बहुत पसंद आई अफोर्डेबल कैटेगरी में भी आ जाता है एंड इसका सुना बहुत है कि ये दाग धब्बे के ऊपर काम करता है तो इसको मैं रेगुलर बेसिस पे अब आजकल यूज कर रही हूँ काफी दिनों से अब मैं यूज़ करूंगी गुड वाइब्स की सैफरन डे क्रीम सीरम तो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है ना तो क्रीम लगानी तो बहुत जरूरी है उसके ऊपर क्योंकि विंटर्स का टाइम है फिर आपकी स्किन ड्राई ड्राई सी हो जाएगी बाकी सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप जाके चेकआउट कर लेना क्लेंजिंग मिल्क का अभी तक मैंने रिव्यू नहीं किया बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने सबका रिव्यू कर चुकी हूँ क्रीम लगा लूंगी थोड़ा सा डैब 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 कर लूंगी अपने फेस के ऊपर ताकि अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए एंड ये है एन वाई बे की लिप बाम है ये नया वाला प्रोडक्ट है ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ मैं इसका भी वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड परचेज लिंक्स भी देख सकते हो यार आप इस लिप बाम को ये थोड़ी सी ना स्टिकी स्टिकी सी है तो बहुत सही लगती है मुझे नया वाला टेक्सचर था लिप्स पे लगने के बाद स्टिकी नहीं रहती पर डेफिनेटली आपके लिप्स के ऊपर एक ना लेयर सी बना के रख देते तो जल्दी हटती नहीं है जो बहुत सही वाली चीज है एंड ओके हैंड्स तक मैंने अपना कुछ नहीं लगाया क्योंकि आपने देखा मैंने अपने हैंड्स को भी वॉश किया था फेस वॉश पाउडर से ये भी मेरे घर की बनाई हुई क्रीम है हैंड क्रीम डेफिनेटली ट्राई करो यार मुझे ये बहुत पसंद है मेरे हैंड्स के ऊपर ना एलर्जी हो गई थी कुछ दिन पहले रेगुलर देखते हो ना तो आपको पता होगा मेरे हैंड्स के ऊपर बहुत गंदी वाली एलर्जी हो गई थी फट गए थे हाथ मेरे इसके साथ बिल्कुल सेट हो गए बहुत चीजें ट्राई की बट ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया अब मैं आपको पानी दिखा रही यार गर्म पानी एंड में मैं मतलब स्टार्ट इसी से मैं करती हूँ अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है गर्म पानी का पूरा एक गिलास पी लूंगी कुछ नहीं ऐड किया मैंने इसके अंदर क्योंकि मुझे ना खट्टा सूट नहीं करता है तो मैंने जस्ट वार्म वाटर था इतना भी गर्म पानी नहीं था इसी करूंगी पंद्रह बीस मिनट के बाद ही मैं आप कुछ खाना वगैरह खाऊंगी यही थी मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होप आप लोगों को पसंद आए तो ये थी मेरी मॉर्निंग स्किन के रूटीन एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई बहुत सिंपल सी इजी पीजी से कुछ ऐसा तो है नहीं एंड uh, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सबके परचेज लिंक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर जरूर चेकआउट कर लेना एंड एवरीथिंग लाइक हर एक चीज की मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना एंड या गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल के ऊपर और ट्वेंटी सिक्स जैन रिपब्लिक डे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आके आपको गिव अवे की विनर्स अनाउंस कर दूंगी टेन विनर्स होंगे नहीं देखे आप लोगों ने वीडियो तो चलो यार उसका भी लिंक डाल दूंगी तो सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो आप जाके चेकआउट कर लेना एंड या अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपने रेड बटन को हिट करना है एंड आपने जो साथ में टिंग 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 बेल है आपने उसको भी हिट करना है ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ और मैं रोजी वीडियो अपलोड कर दूलन बाय